विभिन्न पार्टियों का कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर गठबंधन और अपना समर्थन दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व अश्विनी पांडेय राष्ट्रीय महासचिव चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर नवजन लोक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पटेल भारतीय युवा शक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंगी चौरसिया नव भारत समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकेश यादव समता समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष लवकुश मौर्य ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर गठबंधन और अपना समर्थन दिए। क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं से यह संशय था कि जो उनके साथी इस मामले में जेल गए हैं उसमें कहीं न कहीं कोई भी समान रूप से नहीं, और इसी भय के कारण अपने आप को बचा रहे थे कि चुनाव के समय तक इस मामले को खींचा जाए ताकि हम आरोप लगा सकें कि हमारे विरुद्ध सिर्फ हमको चुनाव में रोकने के लिए यह कार्रवाई चल रही। लेकिन देश की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। जितनी भी कार्रवाइयां देश में चल रही हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों चाहे कोई भी, पूरी प्रामाणिकता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष तरीके से सारी कार्रवाइयां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जब कार्रवाई हो रही है तो लोग मोदी जी को घेरते हैं, पूरे देश में एक इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है जैसे अगर समाजवादी पार्टी पे कोई कार्रवाई होगी तो मोदी जी दोषी हैं, लालू यादव पे कोई कार्रवाई होगी तो मोदी जी दोषी हैं, तमिलनाडु में कर्नाटक में कहीं भी कोई कार्रवाई होगी तो मोदी जी दोषी हैं। जबकि आप सबके संज्ञान में है ये अनेक मामले पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी या इनकी खुद की सरकारें तब भी ये मामले सब शुरू हुए, और ये सारे मामले उसी समय से चलते आ रहे हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग में टाइम लगता है, वो हो सकता है कि इत्तेफाक से इस समय निर्णय आ रहे हैं और उनको जेल जाना पड़ रहा है या कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश मामले ऐसे हैं जो कांग्रेस की सरकारों में जिनकी शुरुआत हुई है और ये खुद उस गठबंधन के साथी रहे फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन आज दोष सिर्फ ही मोदी जी को देते हैं। मोदी जी ने तो खुल के कहा है कि 140 करोड़ लोग देशवासी हमारे परिवार हैं और मैं अपने परिवार के लोगों को जो उनका हक है, जो सरकार से उनको मदद मिलनी चाहिए, उसके जो लूट हुई है सरकारी पैसे का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है, उनके गुनाहगारों को मैं छोड़ूंगा नहीं। देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको कानून से डरना होगा और कार्रवाई की मोदी की गारंटी। मोदी जी ने बहुत ही बिना किसी के दबाव जितनी भी एजेंसियां हैं वो सारी एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपना काम कर रही। अगर हम तुलना करें कांग्रेस की सरकारों में जिस प्रकार से कार्रवाइयां हुआ करती थी उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई, पूरे कानूनी तरीके से कोर्ट के सामने हमारी सारी एजेंसियां साक्ष्य प्रस्तुत की, इसलिए कोर्ट उनको जमानत भी नहीं दे रहा। लंबे समय से लोग जेल में, अगर उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता तो कोर्ट उनको जरूर जमानत देती, लेकिन कोर्ट ने स्वीकार किया है कि सारे सबूत पर्याप्त हैं किसी को भी जेल भेजने के लिए, और इसलिए ये लोग सालों से जेल में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना किसी भी द्वेष के सभी के साथ कानूनी व्यवहार किया जा रहा है और ईमानदारी से एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लोगों को निष्पक्ष होकर एजेंसियों के सामने अपनी बात को रखना चाहिए और अपनी जो गलतियां हैं या गलतियां नहीं हैं उसमें अपने आप को प्रस्तुत करते हुए उससे बाहर आना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को निष्पक्ष या साफ कोर्ट के सामने अपने आप को साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पा रहे कि मैंने ये गलत काम नहीं किया, और इसलिए कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन लोगों को जेल में डालने का काम किया है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जितने नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं वो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देश में उन्होंने गठबंधन बनाने का प्रयास किया, हिंदी गठबंधन के नाम से गठबंधन बनाने का दिखावा देश में किया गया, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई सीटों के बंटवारे की बात आई तो सब लोग अपना अकेले अकेले
अपने राज्य में अकेले चलती है। आपने देखा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी जो बहुत अगुवाई कर रहे थे गठबंधन का, बिहार में नीतीश कुमार जी गठबंधन से ही बाहर हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। महाराष्ट्र की हालत आप सबने देखा है, सीटों के लिए किस प्रकार से झगड़े हो रहे हैं। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जी बहुत पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और किसी का उन्होंने प्रतीक्षा नहीं किया। आज महाराष्ट्र में गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात पे ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जो हमने किया है अपनी सरकारों में उससे कैसे हम बचें। उसके लिए एक मंच पे उन्होंने दिल्ली आके अपने आप को सबको एकजुट होने का इन्होंने दावा, सिर्फ मोदी जी को गाली दी। उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं बताई कि मेरे खिलाफ जो मामले चल रहे हैं वो कहीं से गलत। कांग्रेस पार्टी के शासन में जितने भी भ्रष्टाचार हुए पूरे देश ने देखा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी सबको सजा देने का काम किया। देश के अनेक हिस्सों में वहाँ के हाईकोर्ट ने वहाँ के नेताओं के खिलाफ कोई राहत नहीं दिया, इसलिए आज वो जेल का रास्ता उनको तय करना पड़ रहा है। लेकिन वो दोष सिर्फ जानबूझ के आज मोदी जी को बदनाम करने के लिए, जब भारत एक मजबूती से देश हमारा विकास के रास्ते पे चल पड़ा है, पूरे देश को एक मजबूती देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से किया है, हम कह सकते हैं कि देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता ने तय कर रखा कि आज जो यह सरकार भारत को मजबूती से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम कर रही है, देश में जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो रही है, जो मोदी जी ने गारंटी दिया है कि देश का कोई भी भ्रष्टाचारी होगा पूरे तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम वोट के बीच में भी हम चुनाव से नहीं डरते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अगर चुनाव के बीच में भी करनी पड़ेगी मोदी जी उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं विपक्ष के सारे साथियों को बताना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री